हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो नए दिन नई वीडियो लेके आप सभी के सामने आ गई हूँ। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये फ्रेंड, समय है दोपहर का, बज रहा था 2 और मेरे हस्बैंड आए थे खाना खाने। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर मैं सलाद कट कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना फ्रेंड, बिना सलाद के खाना जो है ना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर सलाद, मतलब मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा ही सलाद वलाद खाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरे हस्बैंड खाना वाना खा के वो चले गए थे। इसके बाद यहाँ पर शाम हो गया, खाते होते मतलब 3 बज गया था। तो इसके बाद मैं सोची चलो अब शाम का झाड़ू ही मैं लगा देती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं मैं सुबह से 2 बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, फिर भी मेरे घर में इतना ज़्यादा कचड़ा हो जाता है ना कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पर बस ढाबा में मेरा झाड़ू लग गया। अब यहाँ पर आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ चारों साइड से। फ्रेंड, क्या है ना, पता नहीं इतना मेरा बाबू लोग की वजह से इतना कचड़ा हो जाता है ना, इतना कि मैं तो परेशान हूँ। मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है मेरा बेटा पर, क्योंकि मेरा बेटा ही ज़्यादातर कचड़ा इधर उधर लकड़ी और इधर देखिए मिट्टी, यहाँ पर साइकिल, मतलब जो भी हो आंगन में पूरा रस्सी वस्सी लेकर इधर उधर फेंकता रहता है। तो क्या करे, उसको कितना भी बोलती मगर वो मानता नहीं। इससे अच्छा कभी कभार मैं उसको छोड़ भी देती हूँ, जो जो करना है सो करो। तो यहाँ पर बस वहीं में लग गई हूँ झाड़ू वाड़ू लगाने में। तो प्लीज फ्रेंड, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा वॉच करिएगा फ्रेंड, प्लीज। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और आज आप लोग के साथ इवनिंग का अपना जो है रूटीन शेयर करूंगी। तो फ्रेंड, झाड़ू लगा के और यहाँ पर आ गई थी, ज़्यादा नहीं 2 छिपा था और गिलास और कटोरी चम्मच, ये मेरा बाबू लोग का है। तो ये जो है दोपहर का मतलब खाना का, ये 2 थाली है मेरे हस्बैंड का और एक और है मेरे देवर जी का। तो उन्हीं लोग का है थाली और मेरा बाबू लोग का कटोरा गिलास, जो कि फालतू में ये सब बर्बाद करते हैं। मेरा बेटा गिलास और कटोरी से लेके खेलते रहते हैं दिन भर। तो ये भी बर्तन धो देती हूँ। और फ्रेंड, कुकर कढ़ाई में पहले ही धो चुकी हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर आ गई हूँ। तो मुझे क्या बनाना है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। और यहाँ पर मैं बातें कर रही थी और मुझे हंसी भी आ रहा था, नहीं बातें नहीं कर रही थी, सॉरी, क्या है ना मेरे मतलब फ़ोन से कोई बात कर रहा था, उन्हीं का बात में जो है मैं सुन के इतना हंस रही थी ना, क्योंकि तो यहाँ पर मैं एक बड़ा साइज का प्याज ली हूँ और एक टमाटर जो कि बारीक में काट लेती हूँ। तो मुझे क्या बनाना है आप लोग के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और यहाँ पर बंधा गोभी है, जो कि फ्रेंड क्या बताएं, ये 15 या 20 दिन हो गया होगा बंधा गोभी मेरे मायके से ही आया था, वो अभी तक पड़ा हुआ है। इतना आजकल सब्जी हो गया है ना ज़्यादा कि उतना खा भी नहीं पा रहे हैं, मतलब ठंडी में ज़्यादातर आप लोग को पता है कि
आलू पराठा, गोभी पराठा, ये जो है जो यही सब अटर मटर बन जाता है। तो फ्रेंड सब्जी बनाने का उतना अब कितना खाएंगे हम लोग, दो जन तीन जन है ही हैं। तो यहाँ पर अच्छे से जो है बारीक काट लेती हूँ सारा चीज़ों को। तो फ्रेंड मुझे बनाना है पास्ता। तो यहाँ पर मेरा कढ़ाई गरम हो गया था, उसमें जो है जीरा और प्याज और हरा मिर्चा और बस इसी तरह, और इसी वक्त मैं डाल दूँगी यहाँ पर फूल गोभी है, जो कि मेरे हस्बैंड बोले थे कि ये सब मुझे इतना ये सब डाल के मतलब अच्छा नहीं लगता है। और साथ में मटर भी ऐड कर देती हूँ, मुझे मैगी हो या पास्ता उसमें सिर्फ प्याज और जो है मटर वाला अच्छा लगता है मुझे। मगर मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से बोल रहे थे बनाने के लिए, तो क्या है ना नहीं बना पा रही थी, तो आज सोचे चलो बना ही देती हूँ अभी शाम के, मतलब बनते बनते तो 4 बज गया था फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड सारा चीज़ों के हल्का ब्राउन देखिए मेरा भुजा गया है, फ्राई हो गया। इसमें बस बंधा गोभी को ऐड कर दूँगी, बंधा गोभी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा हल्का नरम हो जाए। इसके बाद इसमें पास्ता जो है ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड क्या है ना, मेरी थोड़ी सी पास्ता जो है ना ज़्यादा बॉयल हो गया था, क्योंकि मेरा बेटा लोग गया था ट्यूशन, तो ट्यूशन में से हाफ टाइम ही आ गया था कुछ ले जाने के लिए, तो बस उधर ही उन लोगों में बच गए। तब तक मेरा पास्ता थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो गया था, मगर कोई बात नहीं अब क्या करें, अब तो हो गया था तो यहाँ पर अच्छे से पानी में से निकाल देते। तो फ्रेंड देखिए सारा चीज़ मेरा ये हो गया है फ्राई, और इसके बाद इसमें डाल देती हूँ मैगी पास्ता मसाला है, और इसमें बस थोड़ा सा काली मिर्च और इसमें मैगी का ऐड कर देती हूँ। और फ्रेंड क्या है ना, मैं ना हल्दी पाउडर डालने के लिए भूल गई क्या है ना फ्रेंड, जल्दी जल्दी में ना कोई भी चीज़ कभी कभार भूल जाते, तो मैं हल्दी पाउडर डालने के लिए वहाँ पर भूल गई। बाद में जब सारा कुछ ऐड कर दिए तब हमको याद आया वो हल्दी पाउडर तो मैं डलवे नहीं किया, तो फिर हम छोड़ दिए। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक और साथ में मैं धनिया पत्ता अभी ही ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड अभी जो है ना हमको याद आया कुछ देर के बाद, तो बोले वो मेरे हस्बैंड बोलेंगे इसमें तो हल्दी पाउडर डलवे नहीं किए हम, तो फ्रेंड मिस्टेक हो गया था। तो फ्रेंड सारा चीज़ को मिक्स कर दूंगी, और फ्रेंड काफ़ी जो है ना खाने में बहुत टेस्टी बनता है, ऐसा बात नहीं कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था, फिर थोड़ा सा दिखने में ना मतलब गजीब लग रहा था क्योंकि उसमें हल्दी पाउडर नहीं था इसीलिए।
तो आई होप फ्रेंड आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड बाय बाय, लव यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फुल वॉच वीडियो करने।